बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। बैटरी और बाबदा के बगैर चलने वाला सोलर सिस्टम, सोलर इन्वर्टर जो कि मार्केट में आम है, हर बंदा कहता है कि इमरान भाई बैटरी और बाबदा के बगैर चलने वाला जो सोलर इन्वर्टर है उसके हवाले से डिटेल से वीडियो बना दें। हम सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, क्या हमें ये सोलर इन्वर्टर हमारे सिस्टम के लिए यूज करना चाहिए? क्या ये टॉर्क लोड बर्दाश्त कर सकता है? क्या हम इस पे 1.5 टन का इन्वर्टर, एसी और घर की तमाम अप्लायंसेस चला सकते हैं? उस हवाले से मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से गाइड करूंगा। ये 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें मैंने कैनेडियन के सोलर पैनल बायोफिशियल एंड टाइप टॉप वन सीरीज के 575 वाट के 8 पैनल इस सिस्टम में यूज किए हैं। सिंगल पैनल की प्राइस डिटेल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, सिंगल पैनल हमें 41 रुपए पर वाट के हिसाब से कॉस्ट किया है। मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, डेली के रेट होते हैं, नीचे भी आ जाती हैं और ऊपर भी प्राइसेस चली जाती हैं। 8 पैनल इस सिस्टम में मैंने यूज किए हैं और इस सिस्टम के साथ मैंने L3 का फ्रेम यूज किया है। डिपेंड करता है कि आपकी छत पे L2 का फ्रेम यूज होता है या L3 का, या कस्टमाइज स्ट्रक्चर यूज होता है। 8 पैनल इस सिस्टम के साथ यूज किए हैं और L3 के 3 फ्रेम इस सिस्टम में यूज हुए हैं। और सनटेक का बैटरी और वाबडा के बगैर चलने वाला सोलर इन्वर्टर इस सिस्टम के लिए मैंने यूज किया है। सोलर इन्वर्टर की प्राइस डिटेल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो बैटरी और वाबडा के बगैर चलने वाला सोलर इन्वर्टर है वो आपको मार्केट में 5 किलोवाट का 50,000 की रेंज में आसानी से मिल जाता है। मार्केट में फेक भी इन्वर्टर बन रहे हैं जो कि कॉपी होती है, 3 किलोवाट को वो 5 किलोवाट कह के सेल आउट कर रहे होते हैं। उस हवाले से भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि आप जब बैटरी और वाबडा के बगैर चलने वाला सोलर इन्वर्टर परचेज करने जाते हैं, कह सकते हैं कि आप जो पैनल परचेज कर, जो सोलर इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं वो 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का या 7 किलोवाट का है। मार्केट में आपको 3 किलोवाट का 5 किलोवाट कह के सेल आउट करते हैं और 5 किलोवाट का 7 किलोवाट का कह के सेल आउट करते हैं। इन्वर्टर की प्राइस डिटेल के हवाले से मैंने आपको बता दी है। पैनल यहाँ पे 8 लगाए हैं, L3 का फ्रेम यहाँ पे मैंने यूज किया है। नीचे इन्वर्टर भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो इन्वर्टर मैंने इंस्टॉल किया है इसके साथ, जो हमारा डीपी बॉक्स यूज हुआ है, 14,000 का हमारा डीपी बॉक्स इस सिस्टम के साथ यूज हुआ है। इसमें मैंने एसी ब्रेकर और डबल वोल्ट बोर्ड एक्शन यूज की है, जो कि हमारे वाबडा हम अगर शेयरिंग करते हैं तो हमें इंडिकेटर वो दे के हमारी वाबडा से कितनी कंजप्शन हो रही है और आउटपुट पे हमें कितना लोड मिल रहा है, कितने एम्पेयर का लोड हम इस पे चला रहे हैं। इन्वर्टर पे भी आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं, सोलर पैनल की प्राइस डिटेल के हवाले से बताऊं तो यहाँ पे मैंने कैनेडियन का सोलर पैनल यूज किया है, जो कि आप देख सकते हैं 575 वाट का ये कैनेडियन का बायोफिशियल सोलर पैनल टॉप एंड टाइप टॉप वन सीरीज का ये सोलर पैनल है। इसकी प्राइस के हवाले से बताऊं तो ये 41 रुपए पर वाट के हिसाब से हमें कॉस्ट किया है। सिंगल पैनल की प्राइस कैलकुलेशन करें 41 के हिसाब से तो हमारा 23,575 का एक सोलर पैनल बनता है। 8 पैनल हमारे इस सोलर सिस्टम में यूज हुए हैं, 8 पैनल की कैलकुलेशन करें तो 1,88,600 के हमारे 8 पैनल यहां पे यूज हुए हैं। अब बात करते हैं सोलर फ्रेम के हवाले से। सोलर फ्रेम हमें मार्केट में L3 का यहाँ पे हमने यूज किया है। सोलर फ्रेम हमें मार्केट में 8,000 का मिला है। सोलर फ्रेम यहाँ पे हमारे यूज हुए हैं। 3 सोलर फ्रेम की प्राइस डिटेल के हवाले से बात करें तो 3 सोलर फ्रेम हमारे 24,000 में हमें कॉस्ट किए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डीसी केबल के हवाले से। डीसी केबल 240-250 रुपए गज के हिसाब से मार्केट में आपको देखने को मिलती है। टिन कोटेड 6 mm की वायर के हवाले से बात करें तो डिपेंड करता है कि आपकी वायर कितनी यूज होती है, आपका डिस्टेंस छत से लेके इन्वर्टर तक कितना है, तो कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा हो जाती है। मिनिमम मैं लमसम आइडिया लगाऊं तो तकरीबन 10,000 की हमारी यहाँ पे सिस्टम में वायर यूज हो गई है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 24,000 का हमारा फ्रेम यूज हुआ है और पैनल 1,88,600 के हमारे 8 पैनल इस सिस्टम में यूज हुए हैं। और डीसी केबल के हवाले से बताऊं तो 10,000 की हम लगा लेते हैं कि हमारे इस सिस्टम में वायर यूज होगी। उसके अलावा डीपी बॉक्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि 14,000 का हमारा डीपी बॉक्स यूज हुआ है इस सिस्टम में, तो डीपी बॉक्स भी इसमें ऐड करें तो 2,36,600 बनता है। इसमें हम इन्वर्टर की प्राइस भी ऐड कर लेते हैं, 50,000 की रेंज में हमें
ये सनटेक का इन्वर्टर मिला है जिसके साथ हमें 1 ईयर की वारंटी मिली है। तो ये टोटल कैलकुलेशन करें तो 2,86,600 में ये सिस्टम की टोटल अमाउंट बनी है। इसमें छोटी आइटम्स भी यूज होती हैं, जिसमें आप कैलकुलेशन करें कि रावल बोल्ट हमारे यूज हो गए, केबल टाई यूज होगी, MC4 कनेक्टर यूज हो गए, और इसमें लेबर इंस्टॉलेशन ऐड करें तो हमारा ये टोटल सिस्टम हमें 3 लाख की रेंज में कॉस्ट कर जाते हैं। तो कोई भी मेरा व्यूवर है सोलर सिस्टम की रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतने व्यूवर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूवर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।